हेलो के यू पी वाई स्टूडेंट्स। तो यार के यू पी वाई वाले बच्चों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारी आ रही है लगातार कि भैया रिजल्ट कब आ रहा है हमारा के यू पी वाई का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो डेडलाइन दी गई है, जो भी आपको अपनी क्वारी सेंड करनी है के यू पी वाई को, अगर आपके क्वेश्चंस में कोई भी अगर आपको लगता है कि भैया ये क्वेश्चन जो है हमारा सही है और के यू पी वाई की जो आंसर की के अंदर जो है वो गलत है, तो जस्ट इसके लिए जो आपको जो भी टाइम दिया गया है उस तक आप जो है प्लीज़ उसको सेंड करने की कोशिश करें। सो जस्ट जो भी है उसका आई थिंक टाइम निकल चुका है, 27 था राइट। अब जो है ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन में जो है कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे निकल आते हैं जिसके अंदर जो है आपकी एक्सेप्टेंस कर ली जाती है। ऑलमोस्ट ऐसा होता है बहुत बार कि 5 से 6 क्वेश्चन तो जो है रेयर के मतलब 5 से 6 क्वेश्चन का तो हर बार होता है ऐसा इशू, ठीक है। ये इंडिया है तो आप मान सकते हो, IASC के अंदर जो पेपर बनाते हैं और आंसर की अपलोड करते हैं उनके साथ भी ऐसा इशू हो जाता है कि 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो जाते हैं, मतलब ठीक है उनकी जो आंसर है वो बाद में फिर से की जाती है अपलोडिंग, ठीक है। अब जो है ऑलमोस्ट आप मान सकते हो जो भी आपकी रिजल्ट आया है, तो आप अपना स्कोर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भैया हमारा जो है इतना स्कोर आया है। अब जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वेरी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यही है कि आप प्लीज़ जल्द से जल्द अगर आपने IASC का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं किया है देन यू मस्ट अप्लाई IISC एप्लीकेशन फॉर्म। एंड फॉर्म कैसे फिल करते हैं उसका जो वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, तो आप उसको देख के ज़रूर फिल करें। लेकिन जो भी बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि आपके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं KUPY के थ्रू तो है ही, लेकिन जहाँ पे जो है JEE के थ्रू भी एडमिशन मिलता है तो जस्ट जो है आप ज़रूर से फिल करें वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग चैनल्स होते हैं एंड आई थिंक 500 रुपये लगता है चार्ज, ज़्यादा चार्ज भी नहीं लगता, तो जस्ट आप अफोर्ड कर सकते हो और आप मस्ट अप्लाई करें। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप जनरल साइंस में लेना चाहते हैं एंड ये जो भी बहुत सारे प्रोग्राम्स है IASC की वेबसाइट पर, सो जस्ट मैं आपको वेबसाइट पर ले चलता हूँ IASC। सो यार जो है IASC एडमिशन प्रोसेस UG के लिए जो अभी आई थिंक प्रोग्राम रनिंग है एंड 31 शायद लास्ट डेट होगा, तो जस्ट आप जो है ज़रूर अप्लाई करें एंड अभी फॉर्म ओपन है। तो यार ज़्यादा कुछ फीस नहीं है, 500 रुपये फीस है सभी के लिए, 500 नहीं है कुछ के लिए कम है एंड मेजरली जनरल के लिए 500 है शायद। बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम वाले जितने भी बच्चे हैं यार अगर आप IASC में सेलेक्ट हो गए ना तो जस्ट जो है आपकी मतलब जो भी थिंकिंग है सोच है दिस इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है। आपकी सोच ही बदल जाएगी इस दुनिया के प्रति या फिर जो लोग ये सोच रहे हैं। अगर आप एक IASC के स्टूडेंट को देखते हैं देन दिस इज मतलब उसको पता भी नहीं है कि उसकी किस ब्रांच की कौन सी फील्ड कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है, उसको सिर्फ इतना पता है कि भैया मेरी बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे है। वेन आई विजिट IASC बेंगलोर देन बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी पता नहीं है कि मैकेनिकल की कहाँ है, एरोस्पेस की कहाँ है, उसको ये पता है कि मेरी कंप्यूटर साइंस की तो वहाँ है और बाकी का मुझे नहीं पता, राइट। इतने बिजी रहते हैं और यार मतलब इंडिया का प्रीमियर रेपुटेटेड रिसर्च का फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन ऑल ओवर द इंडिया और आपको वहां पे एडमिशन मिल रहा है डायरेक्टली 12th के बाद, तो आप सोच सकते हो कि आपकी क्या पोजीशन है क्या कंडीशन है। अब एक क्वेश्चन ये था कि भैया मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 75 आ रहे हैं, मेरी जस्ट 200 में से क्या कट ऑफ रैंक हो सकती है, मेरी 100 में आ सकता हूँ क्या, मैं क्या मैं 150 में आ सकता हूँ, क्या मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ क्या, क्या मैं टॉप 50 में आ सकता हूँ क्या, इसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, आईसर के अंदर जो KUPY के अंदर जो रैंक्स आ रही है उसके अंदर क्या प्रोसेस रहेगा, आईसर पुणे में जो है कितनी रैंक पे एडमिशन हो जाएंगे। सो ऐसी ऐसी बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारीज आ रही थी, तो यार जल्दी जस्ट इसके ऊपर सारे के सारे वीडियोज़ अपलोड हो रहे होंगे एंड आप थोड़ा सा रिजल्ट तक वेट कर लें एंड सारे के सारे A to Z वीडियोज़ आ रहे होंगे। एडमिशन गारंटेड, काउंसलिंग एडमिशन प्रोग्राम इज ऑलरेडी रनिंग एंड जस्ट उसका जो है आई थिंक हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर आपको गूगल फॉर्म भी दिया गया हो, दिस इज जस्ट आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमारी टीममेट से, दिस इज़ फ्रॉम IISc, IIT बॉम्बे, आईसर, नाइसर एंड टॉप IITs, NITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIST, NSUT, DTU एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड मैनी मैनी टॉप रेपुटेड इंस्टीट्यूट फ्रॉम द NIT त्रिची, बिट्स पिलानी एंड जस्ट बिट्स मेसरा, VIT वेल्लोर, SRM इंस्टीट्यूट। सो जस्ट आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी यही एडवाइस है कि IISC का फॉर्म जरूर फिल करें,
कितने बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर रखा है वो जस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आपके के ओ पी वाई में कितना स्कोर आ रहा है जो भी आपने देखा है यहाँ पे, जो भी आपकी रिलीज हुई है ठीक है आंसर की, उसके हिसाब से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से जस्ट जो है जल्दी एक वीडियो रिलीज किया जाएगा रिजल्ट से पहले ही कि आपकी क्या क्या रैंक आ सकती है। तो जस्ट तुम अपने भाई की सिमिलरिटी भी चेक कर लेना कि बिल्कुल IISc वाले के बराबर एकदम एक्यूरेट ठीक है। तो ज़रूर से जस्ट बताइए कमेंट बॉक्स में, और यार वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर किया करो ठीक है, सब्सक्राइब अगर कर लिया करो, बढ़ते नहीं है सब्सक्राइबर ठीक है, तो जस्ट कर सकते हो भाई के लिए। थैंक यू गाइस, और खूब पढ़ते रहिए, एंड IISc के एप्लीकेशन फॉर्म KOVP के लिए जल्द ही रिलीज हो जाएंगे, एंड जस्ट जो है IISc के लिए ऑलरेडी रनिंग है, तो जस्ट जल्दी से जाके अप्लाई कीजिए, और नीचे एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, खूब पढ़ते रहिए, धन्यवाद।